ये है लाजवाब अरबी की टिक्की, जो कि खाने में बहुत ही मजेदार लगती है, क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरी बनी है। जिस तरह से आप आलू की टिक्की खाते हैं, एक बार आप इस अरबी की टिक्की को ट्राई करें, ये आलू की टिक्की से भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इस टिक्की को लंच में शामिल करें, गरम गरम दाल चावल के साथ खाएं, मजा आ जाएगा। स्नैक्स के रूप में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इवनिंग टाइम पास रेसिपी है ये, इसे आप अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भोजन मंत्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अरबी की टिक्की को हम कैसे बना सकते हैं। अरबी की टिक्की आप इसे ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं, चाय के साथ या किसी सॉस के साथ आप इसे सर्व करें, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए देखते हैं अरबी की टिक्की को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने उबली हुई अरबी ली है। आप अरबी को उबालने से पहले इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। इसके बाद प्रेशर कुकर में एक सीटी आने तक अरबी को उबाल लेंगे। तो ये उबली हुई अरबी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसके छिलके को हम उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, छिलके सहित अरबी को मैंने उबाला है। इससे उबालने के बाद छिलके उतारने में आसानी होती है। तो इस तरह से हम चाकू की हेल्प से अरबी के छिलके को उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अरबी के छिलके को उतार लिया है। अरबी हमारी ज़्यादा उबली हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसकी टिक्की अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम सभी अरबी के छिलके को उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे अरबी के छिलके को उतार लिया है। अब इसे हम एक फोर्क की हेल्प से या हाथों की हेल्प से भी इसे रफली हम मैश कर लेंगे। स्मूथ मिक्सचर नहीं बनाना है हमें, बस सिंपली इसे रफली मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी अरबी को अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 बड़ा टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप कम या ज़्यादा अपने पसंद से कर सकते हैं। आप कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप तीखे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, या फिर आप स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से टिक्की का बहुत ही चटपटा स्वाद आता है। और 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल लेंगे। अरबी की सब्जी में अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप अरबी की सब्जी बनाएं या इसके पकौड़े या टिक्की, अजवाइन उसमें ज़रूर डालें। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अजवाइन डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। लास्ट में हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, ये करीब 1/2 टेबल स्पून है। और इसमें करीब 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसे मिला लेंगे। इन सूखे मसालों के साथ ही हमें अरबी को अच्छे से मिक्स करना है। पानी यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी मसालों को अरबी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे टिक्की बना लेंगे। इसके लिए पहले हम हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे हाथों को। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसकी छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन ले लिया मैंने। अब इसको इस तरह से तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक टिक्की तैयार कर ली है। इसे मैं एक प्लेट में रख ले रही हूँ। इसी तरह से हम सारे टिक्की तैयार कर लेंगे। अगर आपकी टिक्की बन नहीं पा रही है, टिक्की बनाने में दिक्कत आ रही है, हाथों को ग्रीस करने के बाद भी अगर आपको टिक्की बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें। इससे क्या होगा कि टिक्की बनाने में आसानी होगी। चूंकि अरबी जो है, जब हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, तो ये इतनी स्टिकी हो जाती है कि हमारे हाथों पे चिपक जाती है और हमें इसकी अच्छी बाइंडिंग देने में दिक्कत होती है। तो इसलिए अगर ग्रीस करने के बाद भी अगर आपकी टिक्की नहीं बन पा रही है, तो आप थोड़ा सा हाथों पे इस तरह से पानी लेके हाथ को इस तरह से गीला कर लें। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके गोल बना के हम इसे थोड़ा सा इस तरह से चपटा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी दूसरी टिक्की भी बन के तैयार हो गई है। बेटर होगा कि आप हाथों को गीला कर करके इस तरह से आप टिक्की बनाएंगे, तो ये अरबी जो है आपके हाथों में चिपकेगी नहीं और टिक्की बनाने में आसानी होगी। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिया है, आपको जो भी पसंद आए आप वैसा कर लें। तो मैं यहाँ पे सारा टिक्की तैयार कर रही हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी टिक्की को तैयार कर लिया है। टिक्की बनाने के बाद प्लेट में रखने से पहले आप प्लेट के ऊपर थोड़ा सा मैदा या आटे से डस्ट कर ले, उसके बाद टिक्की को रखें। इससे क्या होगा कि जब आप फ्राई करने के लिए टिक्की उठाएंगे तो ये आपके प्लेट में चिपकेगी नहीं, आसानी से उठ पाएगी। तो चलिए अब हम इन टिक्की को हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम 2-3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे। यहाँ पे हम अरबी की टिक्की को शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा कम तेल का इस्तेमाल किया है। तेल अब हमारा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम टिक्की को डाल लेंगे। तेल को थोड़ा सा इस तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम टिक्की को फ्राई करेंगे। अभी हम इसे पलटेंगे नहीं, एक मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे छोड़ देंगे ताकि ये नीचे से अच्छे से सिक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। तो एक मिनट हो गए हैं, अब इसे हम एक स्पून की हेल्प से पलट लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे लो कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है इसका। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से एक मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। तो दोनों साइड से ये टिक्की अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ये टिक्की, खाने में तो ये और भी मजेदार लगेगा। ये देखिए तो हमारी टिक्की तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के सारे टिक्की भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी अरबी को प्लेट में निकाल लिया है। आप इसे गरम या ठंडा सर्व करें, ये दोनों में ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये अरबी टिक्की की रेसिपी? है ना ये बहुत ही आसान बनाने में और झटपट बनके तैयार हो जाती है। जब कभी भी आपको कुछ नमकीन खाने का मन करे तो आप इसे स्नैक्स के रूप में बनाकर सर्व